Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم خالتان. وعليكم السلام. كيسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں. دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی. یہ برگر. آپ بھی کچھ کھا لیجئے نا آپا. ये कुछ पैसे हैं मेरे पॉकेट मनी से जो भी बचे थे मैं ले आई आपके कुछ काम आ जाएंगे पिछले एक महीने से मेरा खर्च तू ही संभाल रही है ना ऐसा और कब तक चलेगा नहीं जानती एक्चुअली मैं इनसे बात ही नहीं कर पाई नई नई शादी हुई है ना डरती हूँ कि आपके ट्रिपल तलाक के केस का असर कहीं मेरे ससुराल वालों पर ना पड़े मुझे माफ कर देना आपा मैं अब और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी नहीं नहीं मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब वालेकुम अस्सलाम कितनी देर लगाती हो दरवाजा खोलने में आप भी तो देर से आए हैं आज भी कुछ कहा मैंने यार शमा तुम फिर से शुरू मत हो जाओ मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ कस्टमर्स को मनवाते मनवाते आप ही मेहनत करके आते हैं ना मुझे तो घर पर सिर्फ आराम ही आराम है नहीं इतना आसान काम नहीं है मेरा आसान काम सिर्फ मेरा ही तो है मेहनत तो आप ही करते हो और नहीं तो क्या दिन भर सेल्समैन की नौकरी करता फिरता हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद सेल्समैन बना फिरता हूँ मैं लोगों के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ले लीजिए हमारे प्रोडक्ट प्लीज ले लीजिए महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या रेंट देंगे क्या खाएंगे पिएंगे तो मुझसे गुस्से से बात करने से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा नहीं तुम मुझे क्रिटिसाइज करना बंद करोगी प्लीज अरे तंग आ गया हूँ मैं ये रोज रोज के झगड़ों से चिल्लाइए मत आलिया सो रही है मेरी भी बेटी है वो मुझे भी फिक्र है उसकी और तुम्हारी भी फिक्र है पता है आपको कितनी फिक्र है घर में कुछ नहीं है और आप बड़ी फिक्र करते हैं तुम मुझे ताने देना बंद करोगी प्लीज घर की परेशानी आपको नहीं तो किसे बताऊंगी हमारे घर की बात है आपको तो सुननी पड़ेगी ये सब परेशानियां तुम्हारे भाई की वजह से हो रही हैं अगर उसने हमारे पैसे लौटा दिए होते तो हमें ये नौबत नहीं झेलनी पड़ती कल तुम जाओ और उससे पैसे लेकर ही वापस आना क्या ये कोई अच्छा तरीका है पैसों के लेन देन का हालात तुमसे छुपे नहीं है शमा तुम्हें पैसे लेकर ही वापस आना पड़ेगा तो क्या पैसे ना मिले तो मैं वापस ही ना हूं आकर करोगी भी क्या क्या है ही आखिर हमारे घर में उनके पास पैसे नहीं है और मैं जाऊंगी भी नहीं देते वक्त आपने मुझसे नहीं पूछा था आपने दिए थे आप ही जाकर ले लो
क्षमा मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और आलिया के लिए ही कर रहा हूँ। हमारे लिए? हम ठीक है चटनी मिर्ची खाकर। आप अपनी ईगो के लिए मुझे मोहरा मत बनाइए। तो ठीक है फिर, खाती रहो चटनी मिर्ची और आज के बाद मुझे ताना मत देना। हमेशा कहती रहती हूँ ना कि मुझे तुम्हारी और आलिया की कोई फिक्र नहीं है। 6 महीने पहले पैसे लिए थे सलीम ने हुमा की शादी के वक्त, ये बोलकर कि 3 महीने में वापस कर देगा, अभी तक वापस नहीं लौटाए। अरे अगर इतनी ही फिक्र होती उसे हमारी तो वो वापस नहीं कर देता। हाँ हाँ, ऐसे ही हमारे सारे रिश्तेदार, धोखेबाज और फंसाने वाले, हर किसी से शिकायत है आपको। क्षमा, मैंने सारे रिश्तेदारों की बात नहीं की है, तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। अरे तंग आ गया हूँ मैं ये रोज रोज के झगड़ों से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो मैं हो चुकी हूँ आपके साथ रहते रहते। तो फिर ठीक है, चली जाओ मेरा घर छोड़कर। आज मैं तुम्हें आजाद कर ही देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक, 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 तलाक। अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है और हम अपनी बहन को इस जुल्म का शिकार होते हुए और नहीं देख सकते। जुल्म मेरा बेटा नहीं, तुम्हारी बहन कर रही है। अपने शोहर को भला कोई ऐसे जेल भेजने की बात सोच सकता है? ऐसे जालिमों को वहीं होना चाहिए। अपनी जबान को लगाम दो लड़के, तुम जरूरत से ज्यादा बोले जा रहे हो। नहीं असलम भैया, इससे बात करना ही बेकार है। ये मत भूलो, तुम्हारी खुशी के लिए मेरे बेटे ने क्या नहीं किया। तुम्हारी मेरे साथ बनती नहीं है, इसलिए अपने घर से मुझे ही अलग कर दिया। देखिए सब बेकार की बातें, लेकिन कल रात जो हुआ, अगर वो आपकी बेटी के साथ होता तो? मैं मानती हूँ मेरे बेटे से गलती हुई है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा, ये सजा सिर्फ उसको नहीं हम सबको मिलेगी। देखा जाएगा, लेकिन उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इंजीनियर है मेरा बेटा, लेकिन जॉब चले जाने के बाद से सेल्समैन बनकर घर चला रहा है। तुम क्या समझोगे उसके दर्द को? और मेरा दर्द, उसका क्या? उनके अलावा मेरे दर्द को समझने वाला है ही कौन? मैं उन्हें अपना शरीक हयात मानती थी, जो मेरे हर दुख दर्द में बराबर शरीक रहेंगे, लेकिन उन्होंने दिया भी तो क्या, मुझे तलाक दे दी, वो भी 3 बार। क्या कल रात हुई 3 तलाक को तुम मानती हो? लेकिन कानून एक वक्त में 3 तलाक को कबूल नहीं करता। और कानून ही के मुताबिक ऐसे इंसान को जेल में होना चाहिए, ना कि किसी मासूम औरत की जिंदगी में। लेकिन तलाक तो हुई ही नहीं है ना? अब ये सब बातें कोर्ट में ही कीजिएगा, यहाँ नहीं। अब तो हम तुम्हें कोर्ट में ही देखेंगे। वजीहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, देख लेंगे हम तुम। हाँ हाँ, वहां तुमको सिर्फ देखना ही है, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सोच लो, ठीक नहीं कर रही हो तुम। और कल रात जो आपके बेटे ने किया, क्या वो ठीक है?
या अपन के ऐसा तो दिखता नहीं, फिर काय को डाल दिया इसको अंदर? क्या भाई काय को डाल दिया तेरे को अंदर? अरे इसने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया है, तेरे से बड़ा क्रिमिनल है ये, जाएगा 3 साल के लिए। अरे बाप रे, अरे क्या बिड़ो 3-3 तलाक दे दिया? हाँ बीवी पैसा जेवर मांग रही थी क्या? चोरी करके लाया था अपन की तरह, कम से कम 4-6 महीने रह के तो छोड़ जाता। तलाक काय को दिया, अब बैठ 3 साल अंदर इच। अरे कांस्टेबल बोला ये हमसे भी बड़ा मुजरिम है, लेकिन ये हमसे ही डर रहा। अरे डिफेंस लॉयर तो रिटा घोष है ना? हाँ। और जो पीपी है राघवेंद्र जोशी, इसकी तो उसके साथ जमती नहीं, हमेशा लड़ते रहते हैं दोनों भी। ए भाई तो यही तमाशा तो देखने आए हम लोग यहाँ पे, अब मीडिया में होने का इतना फायदा तो उठाओ। हाँ और बड़ी खबर मिल रही है आज। हाँ टीआरपी टीआरपी टीआरपी। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। अरे किसी के डिवोर्स केस की न्यूज कवर करने आए हो या किसी फिल्म के प्रीमियर पर पापराजी बनकर आए हो? अरे थू है तुम्हारी इसी झूठी कहानियों पर। आप सीनियर जर्नलिस्ट कैसे बने पता है हमें? पता है तो प्रूफ करके बताओ खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने वालों। अरे तुमने तो खुद की अदालतें खोल रखी हैं और उसे जनता के नाम करके ढोंग रचाते हो, जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। यार ये रवि कुमार अच्छा है यार, जाते जाते हमें एहसास दिला के गया कि कितने बड़े गुनेगार हैं हम। अबे पागल मत बन, करियर प्यारा नहीं है तुझे हा? और उसे क्या पता है हमारी मजबूरियां? He just रविश कुमार, बार बार बात करता है, लगता है तमाशा शुरू होने वाला है। चल चल चल। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, हारून मिर्जा को अदालत के सामने बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, हारून मिर्जा ने अपनी बीवी शमा खान मिर्जा को रात के 1:20 पर 3 तलाक दिए हैं। मैं हारून मिर्जा से अदालत के सामने सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो हारून मिर्जा, क्या आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दिए हैं? लेकिन जज साहब हुआ ऐसा था सिर्फ कि मैं इतना ही बताइए कि आपने 3 तलाक दी है या नहीं। अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए आप। मिलॉर्ड, हारून मिर्जा की खामोशी ये बता रही है कि उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी है। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि हारून मिर्जा को नए कानून के मुताबिक कम से कम 3 साल की सजा मिलनी चाहिए ताकि शमा खान मिर्जा को इंसाफ मिल सके और वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। मिलॉर्ड, शायद एडवोकेट रीटा घोष ने देखा नहीं है कि हारून मिर्जा अदालत को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि हारून मिर्जा ने अपनी बीवी शमा खान मिर्जा को 3 तलाक दी हैं। लिहाजा अदालत का वक्त बर्बाद करने के बजाय जल्द से जल्द फैसला किया जा सकता है। अदालत का कोई वक्त नहीं बर्बाद कर रहा है, अदालत के पास इंसाफ के लिए वक्त होता है। आपके पास ना हो तो आप जा सकते हैं। मैंने सवाल सीधे सीधे से ही पूछा है हारून मिर्जा से वकील साहेबा, वो बात को घुमा रहे हैं।
मैं सीधे सीधे मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मिलॉर्ड, मैं अपने पहले गवाह अभिजीत चौहान को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। आप अपना नाम अदालत को बताइए। जी, मेरा नाम अभिजीत चौहान है। जी, आप हारून मिर्जा को जानते हैं? जी, मैं इन्हें जानता हूँ। एक्चुअली मैं इनका पड़ोसी हूँ। मिस्टर चौहान, आप ये बताइए कि आपने गुरुवार की रात 1:30 बजे क्या देखा? देखा नहीं जी, सुना। हारून भाई और भाभी के बीच में किसी बात पर जोरदार बहस चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर किसी बात पर जोर से बहस कर रहे थे। फिर मैंने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो हारून भाई की आवाज आई थी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, पूरे 3 बार बोला जी। बस हाँ। बस बस, थैंक यू मिस्टर चौहान, अब आप जा सकते हैं। ठहर जाइए चौहान साहब। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी 1-2 सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर चौहान, आप हारून मिर्जा को कितने दिनों से जानते हैं? दिनों से नहीं जी, मैं तो इन्हें कई सालों से जानता हूँ। अच्छा, तो वो कैसे आदमी है? इंसान बहुत अच्छे हैं। और ये आप किस बिना पे कह सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है? वो इसलिए क्योंकि ये पड़ोसी का बहुत ख्याल रखते हैं, और दूसरी ये कि जब इनके पिताजी बीमार थे तो इन्होंने मुझसे कुछ पैसे कर्ज मांगे थे, तो मैंने दे दिए थे बिना लिखा पढ़ी करके, क्योंकि पड़ोसी है तो अब करना पड़ता है वो सब। और बाद में जब इनके पिताजी गुजर गए तो इन्होंने देर से ही सही मेरे पैसे मुझे लौटा दिए और शुक्रिया अदा किया। अच्छा, तो अब जबकि वो एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको क्या लगता है कि हारून मिर्जा ने अपनी बीवी को 1 बार में ही 3 तलाक बोलकर घर से क्यों निकाला होगा? इन्होंने भाभी को घर से जाने के लिए कहा, 3 तलाक भी दिया, लेकिन खुद ही घर से निकल गए। बहुत गुस्से में थे सरकार, हम तो जानते हैं इन्हें, ये 3 बार क्या 1 बार भी तलाक नहीं बोल सकते। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ जज साहब, और ये बात क्षमा भी जानती है। अगर मैं उस दिन गुस्से में नहीं होता तो मैं उसे। मिलॉर्ड, यहाँ पे गुस्से से या प्यार से तलाक देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो 3 तलाक का केस चल रहा है। हाँ, लेकिन आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका तो दीजिए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तुम अपनी बात पूरी तरह से बताओ। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत परेशान था। दरअसल मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि पूरी गलती क्षमा की है, गलती हम दोनों की है जज साहब। हम दोनों अक्सर किसी ना किसी छोटी बड़ी बात पर झगड़ा करते रहते थे, बहस करते रहते थे। उसे मेरे कुछ रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है तो मुझे भी उसके कुछ रिश्तेदारों से दिक्कत है। बस जुम्मे रात को इसी वजह से हमें कहा सुनी हुई, और फिर गुस्से में आकर मैंने और उसने एक दूसरे को बुरा भला कहा। जब गुस्सा मेरे काबू से बाहर हो गया तो मैंने उसे गुस्से में घर से चले जाने को कह दिया, यहां तक कि मैंने उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए भी कहा, और फिर गुस्से में ही मैंने उसे तलाक दे दी। लेकिन मैं खुद ही घर से बाहर चला गया जज साहब, शमा खुद इस बात की गवाह है। आप पूछिए शमा से, शमा क्या ऐसा नहीं है? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, हारून मिर्जा शमा खान मिर्जा को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी भरी अदालत में। नहीं नहीं जज साहब, मैं उसे धमका नहीं रहा हूँ। उसे बोलने तो दिया जाए, बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई के साथ हमेशा पहले ही बोला था, उसको मत देना, मुझे देना। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं शमा खान मिर्जा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। शमा खान मिर्जा, क्या हम जान सकते हैं कि आपकी शादी कब हुई? 23 दिसंबर सन 2011। आपने हारून मिर्जा से शादी क्यों की? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, ये अदालत का वक्त जाया कर रही है। ताल्लुक है मिलॉर्ड, मैं हारून मिर्जा और शमा खान मिर्जा के आपसी इख्तलाफात की वजह
कोर्ट को बताना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन रूल्ड आउट। मिलॉर्ड की इजाजत है, आपकी ना भी हो तो क्या। हाँ तो शमा खान मिर्जा, आपने हारून मिर्जा से शादी क्यों की? क्या किसी के जोर जबरदस्ती से आपकी शादी हुई या आपकी अपनी रजामंदी से? जब इनके वालिद ने मेरे अब्बू से रिश्ते की बात की तो मेरे घर पर सब लोग बहुत खुश हो गए। कहा कि लड़का पढ़ा लिखा है और कमाता भी है, और लड़का और उसका खानदान बड़ा तमीज़ तहजीब वाला है, वो सब मुझे बहुत खुश रखेंगे। मैं भी बड़ी खुश हो गई और मैंने हाँ कह दी। फिर आपकी हारून मिर्जा से शादी हुई, बाद में आप दोनों खुशी खुशी रहने लगे, फिर आलिया पैदा हुई, फिर आखिर क्या बात हुई? आपकी पहली लड़ाई कब हुई और क्यों? बहस तो हम दोनों में पहले भी होती थी। किस बात पर बहस होती थी तुम दोनों की? बस ऐसे ही किसी छोटी सी बात पर, कभी खाने के टेस्ट को लेकर, कभी इनके घर लेट आने पर। कभी कभी तो इस बात पर भी बहस हो जाती थी कि आलिया को कौन ज्यादा प्यार करता है। हाउ स्वीट। क्या आपको हारून मिर्जा की ईमानदारी पर कभी कोई शक हुआ? मतलब उनके पिछले जॉब के चले जाने से पहले वो आपकी या आपकी जरूरतों का ख्याल रखते थे या नहीं? हाँ, इनकी ईमानदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। और वो जब तक एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे, मेरी और आलिया की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। मुझे इस बात पर कोई शिकवा नहीं है। फिर ऐसी कौन सी बात ने आपको परेशानी में डाल रखा था जो आपने पुलिस को ये बयान दिया कि हारून मिर्जा आप पर जहनी दबाव डाल रहा है? वो मेरे भाई और रिश्तेदारों को बुरा भला कहते थे। ऐसा कब से हो रहा है? पिछले कुछ महीनों से। उसकी वजह? पैसों की लेन देन और दीगर कुछ मामलात में मेरे कुछ रिश्तेदारों का रवैया उन्हें पसंद नहीं था। आपको भी उनके कुछ रिश्तेदार पसंद नहीं थे शायद? हाँ। बस यही असली वजह रही होगी जो आग में ईंधन का काम कर रही होगी? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझे एक ही वक्त में 3 तलाक दे दे। यू ऑनर, मैंने कभी इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। और इन्होंने क्या किया, जब गुस्सा इनके सर चढ़ गया तो मुझे 3 तलाक दे दी। That's all, my lord. मैं भी अदालत को यही बात बताना चाह रहा हूं मिलॉर्ड। हारून मिर्जा आपे से बाहर हो गया और उसने अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 तलाक दे दी। जज साहब, 3 तलाक किसी मुस्लिम महिला के लिए शरीयत के अनुसार वो सबसे बुरी गाली है जो उसका पति उसे दे सकता है। I object, मिलॉर्ड। According to the religion of Islam, आम हालत में एक वक्त में 3 तलाक देना मारूफ नहीं है, और हमारा कानून तो इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। और मेरे फाजिल दोस्त शायद ये भूल गए हैं कि किसी भी मजहब को ठीक से स्टडी किए बगैर उसे नाम नहीं रखना चाहिए। वकील साहिबा, पॉलिटिकल षड्यंत्र में मत फंसाइए हमें। आप ही तो शरीयत की बात कर रहे हैं, पहले ठीक से पढ़ तो लीजिए कि शरीयत में लिखा क्या है। रोज नए नए ढंग से दंगे भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं आप। देखा जज साहब, मैं भड़का रहा हूं दंगे? अजीब बात है। ऑर्डर, ऑर्डर। आई एम सॉरी, मैं बस ये कहना चाहती हूं कि शादी किसी भी रिलीजन में एक मर्द और एक औरत के बीच में वो बंधन होता है जिसे वो पूरी जिंदगी पारिवारिक, पारंपरिक और धार्मिक रूप से बिताते हैं। लेकिन जब भी उनके बीच हालत खराब होने लगती है तो इस्लाम धर्म दोनों घर के बड़ों को आर्बिट्रेशन करके मामले को समझाने की शिक्षा देता है, क्योंकि हदीस के मुताबिक अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जायज काम एक पति और एक पत्नी के बीच तलाक का वाक़े होना है। लेकिन फाइनली जब एक पति और पत्नी को अपना संबंध शांतिपूर्वक और सामान्य रूप से बरकरार रखना संभव नहीं रह जाता है, तो इस्लाम धर्म
पत्नी को खुला और पति को तलाक की इजाजत देता है, वो भी मारूफ तरीके से, ताकि दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जी सकें, ना कि पत्नी पूरी जिंदगी पति के जुल्मों का शिकार होती रहे और ना ही पति अपनी पत्नी से किसी भी तरीके से हैरास हो सके। लेकिन मेरे फाजिल दोस्त मारूफ तरीके का मतलब ही नहीं जानते होंगे, लिहाजा मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर वो कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो रिलीजियस इश्यूज क्रिएट करने से उन्हें बाज रहना चाहिए, क्योंकि हम ये कई सालों से देखते आए हैं कि इस सॉल्यूशन को गाली घोषित करने की साजिश चलती आई है। वजाहत के लिए शुक्रिया वकील साहिबा, लेकिन जज साहब, यहां यह सवाल हरगिज पैदा नहीं होता कि हारून मिर्जा ने शमा खान मिर्जा को गुस्से में तीन तलाक दी या पूरे होशोहवास में। यहां यह सवाल भी हरगिज पैदा नहीं होता कि क्या हारून मिर्जा अपनी बीवी और अपनी बच्ची से प्यार करता था या नहीं। यहां यह भी सवाल पैदा नहीं होता कि आगे चलकर ये लोग अपनी अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकेंगे या नहीं। यहां दरअसल कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। कानून के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक ही वक्त में तीन तलाक कहता है, वो तलाक कंसीडर नहीं की जा सकती है और उस मुस्लिम पति को 3 साल के लिए जेल की सजा दी जाती है। हमारा संविधान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, रूल इज रूल। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो हारून मिर्जा को सख्त से सख्त सजा सुनाए और शमा खान मिर्जा को इंसाफ मिले। थैंक यू मिलॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये मानती है कि हारून मिर्जा ने अपनी बीवी को शमा खान मिर्जा को एक ही वक्त में 3 तलाक दिए। कानून की नज़र में एक साथ 3 तलाक देने से शौहर और बीवी के बीच में तलाक लागू नहीं होती, बल्कि साथ साथ अदालत ये मानती है कि शौहर अगर एक ही वक्त में 3 तलाक दे तो कानून की नज़र में वो मुजरिम है। लिहाजा ये कोर्ट हारून मिर्जा को मुजरिम मानते हुए 3 साल की कैद बामुशक्कत फरमाती है। ही शुड बी इमीडिएटली taken into custody. वक्तों सब आगे पीछे थे मेरे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो कोई पूछता भी नहीं। हमसे जितना हो सकता था हमने किया ना आपा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ससुराल वाले तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मैके वाले मुझे बोझ समझते हैं। जॉब का कुछ हुआ? 7 साल हुए कॉलेज छोड़े, सब कहते हैं एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसीज नहीं है। तुम्हें क्या जॉब देंगे? आप तो अब दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
तलाक भी तो नहीं हुई। सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। मुझे लग रहा है मेरा वजूद ही मिटने लगा है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हारून भाई साहब का भी तो यही हाल है ना। सजा तो उन्हें मिली है कानून के मुताबिक, और तुम्हें इंसाफ मिला है। क्या सच में मुझे इंसाफ मिला है? आज सुबह मकान मालिक आया था। 1 तारीख से पहले घर खाली करने को कहा है। पिछले 5 महीनों से हमने किराया भी तो नहीं भरा। वैसे भी उसने ये घर बेच दिया है। अब क्या करेंगे? सलीम भैया के पास जगह नहीं है, और जगह होती भी तो वो आपको साथ रखने की कंडीशन में नहीं है। रिश्तेदारों से भी मदद नहीं मांग सकते हैं, उनको तो इस टॉपिक के बारे में नहीं बात करना। ये अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। आप अपना ख्याल रखना। मैं कल नहीं आ सकती, मेरे सास के भाई आ रहे हैं। इंशाल्लाह परसों आऊंगी। अगर अचानक कोई परेशानी हो तो मुझे बस एक फोन कर देना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या सच में मुझे इंसाफ मिला है?